हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से गैंगरेप और फिर उसे जला देने के मामले में आरोपी चार युवकों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आ गया है। उन्होंने इस मामले पर कहा है कि मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूँ और ये जांच में ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ। ये जो एक्यूज पुलिस कस्टडी में थे और सुबह 4:30 बजे या 6 बजे सुबह में वहाँ पर ये वाकया हुआ है, मुझे इंक्वायरी के जरिए मालूम होगा तो सारी दुनिया को कि कैसे पुलिस उनको रोक नहीं पाई, उनका हथियार छीनने का वो छीनना चाह रहे थे, कमिश्नर कह रहे हैं। इंक्वायरी होगी तो बात आएगी, मगर जहाँ तक मेरा बात है, मैं किसी भी एनकाउंटर के खिलाफ हूँ। मैं एनकाउंटर्स को नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि आज हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो फौजदारी अदालत का निज़ाम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और सही मानों में ये जो इतने जो इंसान जो हैवान बन चुके हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट के जरिए, और ऐसी सज़ा मिले कि वो अपनी मौत को तड़पे। गौरतलब है कि इन चार आरोपियों पर 27 नवंबर की रात एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का आरोप था। 28 नवंबर को डॉक्टर की जली लाश मिली थी। इसी मामले में पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए चारों को घटनास्थल लेकर गई थी। इनमें से एक आरोपी ने पुलिस का हथियार छीन भागने की कोशिश की। जब आरोपी भागने लगे तो पुलिस ने गोली चलाई जिसमें चारों की मौत हो गई। न्यूज़ डेस्क।